अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम डॉक्टर डॉक्टर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिरा महमूद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर एक सिंगल एडवाइस की भी फी चार्ज करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाली हूं हमारी डॉक्टर फहमीना इशफाक से, जो आपको बताएंगी बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स और हेल्दी टिप्स। इसके साथ साथ आज हमारा जो मेन इशू है जिस पर हम बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर। हर साल दुनिया भर में 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। सन 2005 में इस दिन को मनाने का आगाज़ हुआ, जिसका मकसद लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात, बरवक्त तशखीस और हिफाजती तदाबीर से आगाह करना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 18% बालिगान और 45 साल से ज़्यादा उम्र के 33% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लाहक है। माहरीन के मुताबिक वज़न और ब्लड प्रेशर का दिल की बीमारियों से इंतहाई गहरा ताल्लुक है और दिल के अमराज में मुब्तला ज्यादातर मरीज इजाफी वजन और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इसके बारे में हमें क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हिया फॉर इंट्रोडक्शन। वेलकम। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर क्या, मतलब क्या बीमारी है? बेसिकली ब्लड प्रेशर एक प्रेशर का नाम है जो खून जिस रफ्तार से हमारी नालियों में से गुजरता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसकी एक खास वैल्यूज है। जब ये लेवल उन खास वैल्यू से ऊपर जाता है तो हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसके कितने इकसाम होती हैं, मतलब हम इनको कितने इकसामों में देख सकते हैं? देखें, हमारा जो लेवल, हमारा जो टारगेट है वो हमेशा 140/90 इज़ अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे आम जुबान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिससे आम जुबान में नीचे वाला ब्लड प्रेशर लोग कहते हैं। जब भी ये लेवल एक 140/90 से ऊपर जाता है तो हम इसको मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके मुताबिक माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरटेंशन में कैटेगराइज करते हैं। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर की इकसाम का ताल्लुक है, तो एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन है जिसकी बुनियादी तौर पे अभी तक कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई है, और दूसरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जो कि सम अंडरलाइंग पैथोलॉजीज और डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। ये बेसिकली एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर का काम है कि वो ये डायग्नोस करे कि वेदर पेशेंट इज़ प्रेजेंटिंग विद प्राइमरी हाइपरटेंशन और विद सेकेंडरी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मोस्टली किस तरह के पेशेंट्स को ये बीमारी जल्दी अट्रैक्ट करती है, या ये होता है कि ख़ानदान में आपके किसी को है वहाँ से आपको लगती है, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, मतलब क्या इसकी एक कॉमन चीज़ है जो आजकल, क्योंकि मैंने देखा नॉर्मली किसी को लो है ब्लड प्रेशर, किसी को हाई है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करें? हीरा, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी इज़ अ सेपरेट इशू, बट हमारी कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद द एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन, विच बेसिकली डोंट हैव एनी पर्टिकुलर कॉजेटिव फैक्टर। अगर हम अपने इन लाइफस्टाइल्स और हैबिट्स को इम्प्रूव करें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम अकरिंग। जैसा कि आप देख रही हैं कि आजकल, जैसा कि अभी रिसेंट सर्वे है कि 18% एडल्ट इन पाकिस्तान आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, विच इज़ बेसिकली प्राइमरी हाइपरटेंशन हैविंग नो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रीज़न, एंड 33% ऑफ दिस 18% आर अबव एज ऑफ 45. सो अडॉप्टिंग गुड लाइफ स्टाइल वी कैन प्रिवेंट इट। तो डॉक्टर फहमीना, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और उसके साथ हमने मेडिसिन भी लेनी है, तो हम किस तरह का डाइट प्लान अपनी डेली रूटीन में लाएँ? डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड प्रेशर। सैचुरेटेड फैट्स एंड एडेड सॉल्ट, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एंड वी शुड अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स एंड एडेड सॉल्ट इन ओवर डाइट, एंड वी शुड टेक फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मोर इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू जंक फूड अलॉन्ग विद दीज मेडिसिंस। तो अगर हमारा बहुत ज़्यादा लो है, उसको नॉर्मल रखने के लिए सॉल्ट के अलावा हमारे ऐसी कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपनी, देखिए ब्लड प्रेशर अगर लो है तो फिर सबसे पहले तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये लो है या नहीं है। सो इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 160 एंड पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, पेशेंट इज़ हैविंग सम सिम्टम्स लाइक ब्लरिंग, डिजीनेस, मलेज, वीकनेस फील हो रही है, तो विद ऑल सिम्टम्स
हम ये कहेंगे कि ब्लड प्रेशर लो है, उसकी रीज़न को सॉर्ट आउट करके, उसकी रीज़न को ट्रीट करने के साथ साथ, ऑब्वियसली हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग एंड बिल्डिंग ब्लड प्रेशर। ये पूछूंगी कि मोस्टली मैंने देखा है कि आपको कभी लो हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, कभी हाई हो रहा है, तो ये दोनों अगर चीज़ें एक साथ है, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? आई थिंक इसमें कंसल्टेशन विद अ प्रॉपर कॉम्पिटेंट डॉक्टर इज वेरी मच एसेंशियल, बिकॉज इफ़ देयर इज सो मच फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर कि कभी वो बहुत हाई हो रहा है, कभी वो बहुत लो हो रहा है, तो वी शुड सॉर्ट आउट रीजंस, बिकॉज ये नॉर्मल वेरिएंट नहीं है ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट, एंड देयर मस्ट बी सम रीजन, सम लैब्स इन्वेस्टिगेशंस आर एसेंशियल, एंड देन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन। डॉक्टर फेमिना, आप कोई अच्छी सी एडवाइस हमारी ऑडियंस को दें जो एक हेल्दी है एडवाइस हो जिससे वो डेली रूटीन में। मैं अपने व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज अ साइलेंट किलर, समटाइम्स वी डोंट हैव एनी सिम्टम्स एंड स्टिल पीपल हैव ए वेरी हाई ब्लड प्रेशर, सो रेगुलर हेल्थ चेकअप, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप इज वेरी मच एसेंशियल फॉर अर्ली डायग्नोसिस, एंड देन प्रॉपर मेडिकेशंस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल is the key for management of blood pressure. Thank you so much, Dr. Femina Ishfaq. आज जो आपने हमें बताया उससे हमने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रखिएगा, ये अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करें। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है तो प्लीज़ इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान दें, क्योंकि जब आप अभी तो आप यंग हैं, जब आपने आगे एज में जाना है तो इसने बढ़ते चले जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों इसको अपनी नॉर्मल रूटीन में ज़रूर लेकर आएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।